नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताजा अपडेट पहुंचे आपके पास। मैं हंगामा टाइम से मैंने अभी रत्न रनपुर नवाबगढ़ तहसील में गांव में पहुंचा। वह विकास की बहुत तारीफ परिकरी हो रही है। अब हमारे प्रधान जी हैं। प्रधान जी, आप कौन प्रधान इस टाइम मौका पे? इस समय मेरी पत्नी श्रीमती चंद्रकली गंगवार ग्राम प्रधान है जी। आपका नाम? मेरा नाम लाल सिंह गंगवार। तो आप यहाँ के गाँव के प्रधान जी हैं? जी, मैं प्रधान पति हूँ। प्रधानपति, तो आप ये बताइए, आपने विकास गांव में क्या क्या करवा दिया जो किसी ने नहीं करवाया? गांव में जो काफ़ी जो भी करीब 7-8 इंटरलॉकिंग डलवा दी, पंचायत घर पे मेन रोड से पंचायत घर के लिए इंटरलॉकिंग, पंचायत घर बनवा दिया और प्राथमिक विद्यालय के से मेन रोड से प्राथमिक विद्यालय तक इंटरलॉकिंग, प्राथमिक विद्यालयों की बाउंड्री वाल और हमारे ब्रह्मदेव स्थान के पास में पार्क का निर्माण, उसमें टीन सेट और उसके पार्क के चारों दीवारी कराई। और गांव बहुत सारे रोड टूटे फूटे थे जो कि आपने सीसी और जो ईंटें मसाले घुसा के बहुत लोगों की सहायता करी, लोग तारीफ भी कर रहे हैं। तो जैसे आपने हर स्कूल में मेरे यहाँ चार प्राथमिक विद्यालय हैं, मतलब 2 प्राथमिक विद्यालय, 2 जूनियर विद्यालय हैं, सब में दिव्यांग शौचालय बनवाए और विद्यालय में टाइलीकरण की प्राथमिकता कराई और सभी कई गांव गलियों में इंटरलॉकिंग कराई और करीब 16 आवास मेरे यहाँ बन गए, कार्यरत हैं, बन भी रहे हैं, कुछ बन गए कुछ बन रहे हैं। अच्छा, विधवा के लिए क्या करना चाह रहा है? जो विधवा है 60 साल, उनके क्या पेंशन कितनी बनवा दी आपने? पेंशन का काम चल रहा है, कुछ बन गई, कुछ पहले की बनी हुई थी, कुछ नई थी बन गई, बनवाई, खेल मैदान भी बनवा दिया, 2 दशमा स्थल बनवा दिए, अमृत सरोवर पर काम चल रहा है। और आप जैसे विकास के लिए जैसे जो सरकार नियम से अनुसार कार्य आ रहे हैं वो आप सभी काम करवा रहे हैं? जी, कोशिश यही है, मैं जो भी सरकार के मतलब विकास के लिए चुने गए कार्य सभी कराऊँ। आपके मन में क्या चीज़ बचाए जो इस टाइम नहीं आया वो आप करवाने की इच्छा कर रहे हैं? मेरे मन में एक तो यहाँ प्रस्ताव भी लिखा है मैंने, राजकीय इंटर कॉलेज के लिए मतलब मांग की है, शायद वो 4-6 महीने में हो भी जाएगा। और जो है एक इसमें मैं PHC केंद्र बनवाने की सोच रहा हूँ स्वास्थ्य के लिए, जो कि लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है इलाज के लिए। गांव में PHC में गांव में पहुंचा, वह विकास की बहुत तारीफ परिकरी हो रही है। अब हमारे प्रधान जी हैं। प्रधान जी, आप कौन प्रधान इस टाइम मौका पे? इस समय मेरी पत्नी श्रीमती चंद्रकली गंगवार ग्राम प्रधान है जी। आपका नाम? मेरा नाम लाल सिंह गंगवार। तो आप यहाँ के गांव के प्रधान जी हैं? जी, मैं प्रधान पति हूँ। प्रधान पति, तो आप ये बताइए, आपने विकास गांव में क्या क्या करवा दिया जो किसी ने नहीं करवाया? गांव में जो काफ़ी जो भी करीब 7-8 इंटरलॉकिंग डलवा दी, पंचायत घर पे मेन रोड से पंचायत घर के लिए इंटरलॉकिंग, पंचायत घर बनवा दिया और प्राथमिक विद्यालय के से मेन रोड से प्राथमिक विद्यालय तक इंटरलॉकिंग, प्राथमिक विद्यालयों की बाउंड्री वाल और हमारे ब्रह्मदेव स्थान के पास में पार्क का निर्माण, उसमें टीन सेट और उसके पार्क के चारों दीवारी कराई। और गांव बहुत सारे रोड टूटे फूटे थे जो कि आपने सीसी और जो ईंटें मसाले घुसा के बहुत लोगों की सहायता करी, लोग तारीफ भी कर रहे हैं। तो जैसे आपने मेरे यहाँ चार प्राथमिक विद्यालय हैं, मतलब 2 प्राथमिक विद्यालय, 2 जूनियर विद्यालय हैं, सब में दिव्यांग शौचालय बनवाए और विद्यालय में टाइलीकरण की प्राथमिकता कराई और सभी कई गांव गलियों में इंटरलॉकिंग कराई और करीब 16 आवास मेरे यहाँ बन गए, कार्यरत हैं, बन भी रहे हैं, कुछ बन गए कुछ बन रहे हैं। अच्छा, विधवा के लिए क्या करना चाह रहा है? जो विधवा है 60 साल, उनके क्या पेंशन कितनी बनवा दी आपने? पेंशन का काम चल रहा है, कुछ बन गई, कुछ पहले की बनी हुई थी, कुछ नई थी बन गई, बनवाई, खेल मैदान भी बनवा दिया, 2 दशमा स्थल बनवा दिए, अमृत सरोवर पर काम चल रहा है। और
पानी आप जैसे विकास के लिए जैसे जो सरकार नियम से अनुसार कार्य आ रहा है वो आप सभी काम करवा रहे हैं जी। कोशिश यही है जो भी सरकार के मतलब विकास के लिए चुने गए कार्य सभी कराऊँ। आपके मन में क्या चीज़ बचा है जो इस टाइम नहीं आया वो आप करवाने इच्छा कर रहे हैं? मेरे मन में एक तो यहाँ प्रस्ताव भी लिखा है मैंने राजकीय इंटर कॉलेज के लिए मतलब मांग की है, शायद वो 4-6 महीने में हो भी जाएगा। और जो है एक इसमें मैं PSC केंद्र बनवाने की सोच रहा हूँ स्वास्थ्य के लिए, जो कि लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है इलाज के लिए, गांव में PHC केंद्र और एक बारात घर की आवश्यकता है। तो आपके मन में इतनी भाग वो है कि जो गांव में व्यवस्था नहीं है वो पूरी होना चाहिए, पूरी होनी चाहिए कि मतलब विधायक या संसद या सरकार BJP की है तो आपको मतलब जो भी काम मिलेगा वो काम पूरी करने जो भी काम मिलेगा पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी 3 साल बकाया बची है, जो भी मतलब मुझे मिले मेरा काम तन मन से लग कर। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।